दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी कुछ शानदार मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स लेकर आया हूं कि आप अपनी आंखें मिचते रह जाएंगे और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाएगी। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल प्लेयर ऑफ नंबर्स में। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कुछ और मैथ ट्रिक्स सीखेंगे, इससे आशा है मुझे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स ट्रिक्स के ऊपर ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज ऑफ नाइन वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, आज मैं आपको सीरीज ऑफ वन के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सिखाऊंगा। तो हम लोग ट्रिक नंबर वन में सीखेंगे कि सीरीज ऑफ वन वाले जो नंबर है उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सीरीज ऑफ वन वाले नंबर कौन से है दोस्तों? 1111, 111, 1111, 1111, ये क्या है दोस्तों? सीरीज ऑफ वन वाले नंबर है, मतलब 111, 111, 1111, ये क्या है? सीरीज ऑफ वन वाले नंबर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीरीज ऑफ वन वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे इन ट्रिक नंबर वन। दोस्तों ट्रिक नंबर टू में हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सीरीज ऑफ नाइन वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी या उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सीरीज ऑफ वन वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 85 × 11, क्या दिया दोस्तों यहाँ पे 85 × 11 करना है। दोस्तों पहले हम लोग स्टेप्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो पहला नंबर क्या दिया दोस्तों? 85 दिया, उसके बाद क्या दिया दोस्तों? 11 दिया। तो पहले क्या करना है, 85 को एज इट इज लिख देना है दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 85 लिख दिया दोस्तों। 85 लिखने के बाद यहाँ पे देखो 11 दिया, मतलब कितने डिजिट है इसमें? दो डिजिट दोस्तों। तो अगर दो डिजिट रहेंगे दोस्तों तो क्या करना है, 10 इस साइड लगाना है दोस्तों और 10 इस साइड लगा देना है। क्लियर दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया? तो अगर दोस्तों यहाँ पे 111 रहता तो उसमें कितने डिजिट रहते हैं दोस्तों? तीन डिजिट रहते। तो मैं क्या करता, 20 इस साइड लगाता, 20 इस साइड लगाता दोस्तों। अगर दोस्तों 1111 रहता तो उसमें कितने डिजिट होंगे? चार डिजिट होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 30 इस साइड लगाऊंगा, 30 इस साइड लगाऊंगा। तो क्या करना है, जितने डिजिट रहेंगे एक डिजिट कम करके 0 इस दाहिने साइड में और बाएं साइड में दोनों साइड लगा देना दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप वन कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। आप क्या करना है, स्टेप टू पे आना है। स्टेप टू में क्या करना है दोस्तों, कितने डिजिट है इसमें? दो डिजिट है। मैं क्या करूंगा, दो का पेयर बनाऊंगा। तो क्या करना है, दो का पेयर बनाना है और उसको ऐड करना है। 5 + 0 क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। उसके बाद इन दोनों का पेयर बनाना है दोस्तों। 8 + 5 क्या होगा दोस्तों? 13 होगा। 13 नहीं लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, 13 का 3 लिखना है। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा और कैरी में इस साइड दे दूंगा दोस्तों। ये दोनों का पेयर बन गया दोस्तों। अब कौन सा नंबर बचा है? अब ये दोनों नंबर बचे हैं दोस्तों। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा दोस्तों। 8 + 0 क्या होगा? 8 हो जाएगा और एक कैरी दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 935 मिल रहा है दोस्तों, 935 मिल रहा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये मेरा आंसर है। ऐसी करनी मल्टीप्लाई दोस्तों, है ना आसान ट्रिक दोस्तों। एक और नंबर लेके और डिटेल में समझा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आप खुद मल्टीप्लाई करने लगेंगे और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दिया यहाँ पे, 97 × 11 दिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले 97 लिख दूंगा, 97 मैंने लिख दिया। 11 है, कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, 10 इस साइड लगाऊंगा, 10 इस साइड लगाऊंगा दोस्तों। क्लियर हो गया, दो डिजिट है तो दो दो का पेयर बना दो दोस्तों। दो का पेयर बनाओ, 7 + 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगेन दो का पेयर बना दो, 9 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 16 का 6 आ गया दोस्तों, एक कैरी आ गया। उसके बाद इसका पेयर बना दो दोस्तों, 9 + 0 9 हो जाएगा और एक कैरी को लेकर 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 1067, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, कितनी इजी ट्रिक है दोस्तों। आपको भी मजा आ रहा होगा और मुझे करने भी मजा आ रहा है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी मजा आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप हमसे वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। हजारों बच्चे रोज क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी जाके वहाँ पे रोज मुझसे हमसे क्वेश्चन पूछिए और हम लोग उसको और डिटेल में क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करते हैं दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछना है, हम लोग जल्दी जल्दी उसका आंसर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और बड़े नंबर को लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 176 × 111, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 176 × 111, क्या लिया दोस्तों, 176 × 111। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले 176 को ऐसे लिख दो दोस्तों, 176 को मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, 111 दिया दोस्तों। कितने डिजिट है, 3 डिजिट है दोस्तों। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 20 इस साइड लगाऊंगा दोस्तों, 20 इस साइड लगाऊंगा। क्लियर दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, अभी स्टेप वन कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेप टू पे आते हैं दोस्तों। स्टेप टू पे क्या करना है दोस्तों, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर क्यों बनाना है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 3 डिजिट दिया हुआ है। तो 3 डिजिट रहेगा तो क्या करना है, 3 का पेयर बनाना ही है दोस्तों। तो अब लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे दोस्तों। तो 6 + 0 + 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगेन 3 का पेयर बनाना है दोस्तों। 7 + 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 का 3 आ गया दोस्तों, एक कैरी आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, अभी इन तीनों का पेयर बना लेते हैं दोस्तों। 7 + 6 = 13 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 14 और एक कैरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा दोस्तों। 15 आ गया, अगेन एक कैरी आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, अभी इसका पेयर बना लेते हैं दोस्तों। 7 + 1 = 8 और एक कैरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद
इसका एडिशन कर देते हैं दोस्तों, 1 + 0 + 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 19536, ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही करनी मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, और आप भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लोगे। ये देखने में ही सिर्फ कठिन लग रहा है दोस्तों, करने में बहुत ईजी है दोस्तों। तो आप भी घर पे कोई भी नंबर लीजिए, रैंडम नंबर लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। खुद नंबर लीजिए, खुद मल्टीप्लाई कीजिए, खुद चेक कीजिए, खुद टीचर बन जाइए दोस्तों, खुद क्वेश्चन लेके सॉल्व कीजिए, खुद टीचर बन जाइए, खुद चेक भी कर दीजिए दोस्तों। और अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पेज पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग और भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या दिया, 996 × 111 क्या दिया दोस्तों, 996 × 111। तो क्या करना दोस्तों, पहले 996 को ऐसे लिख देना दोस्तों, 996 को मैंने लिख दिया। उसके बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट है, 2 0 इस साइड लगाओ दोस्तों, 2 0 इस साइड लगा दो दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर मैंने यहाँ पे बनाया, ये 6 आ गया दोस्तों। 9 + 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, एक कैरी आ गया दोस्तों। 9 9 18 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 + 1 क्या होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 का 5 आ गया, 2 कैरी अगेन आ गई दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, 9 9 18 18 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, अगेन दोस्तों क्या हो गया, 2 कैरी आ गई दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 9 + 0 + 0 करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, 1,10,556, ये मेरा आंसर है दोस्तों। इतनी बड़े नंबर की हम लोग ने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों, और मुझे आंसर भी मिल गया। आंसर क्या मिला है दोस्तों, 1,10,556। ऐसे ही और भी बड़े नंबर की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जल्दी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों, 7,865 × 1,111 दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 7,865 × 1,111 दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, अभी ये वाले नंबर की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले क्या करना है, 7,865 जो दिया है उसको ऐसे लिख देते दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 7,865 को लिख दिया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कितने डिजिट है दोस्तों, 4 डिजिट। तो मैं क्या करूंगा, 3 0 इस साइड लगाऊंगा और 3 0 इस साइड भी लगा दूंगा दोस्तों। उसके बाद पेयर्स बनाना है दोस्तों, कितने डिजिट है दोस्तों, 4 डिजिट। तो मैं क्या करूंगा, 4 का पेयर बनाऊंगा, अभी इसमें 4 4 का पेयर बनाना है दोस्तों। पहला पेयर ये वाला बन जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 5 मिल जाएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभी एक एक डिजिट छोड़ते जाओ राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं एक डिजिट छोड़ूंगा तो ये वाला नंबर मुझे मिल जाएगा दोस्तों, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक कैरी अगेन आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, इसकी पेयर बना लो दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से 14 5 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, और 19 एक कैरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अगेन क्या हो गया, 2 हासिल मिल गया दोस्तों। यहाँ पे मुझे 2 हासिल मिलने के बाद दोस्तों, अगेन एक डिजिट छोड़ दो, 8 7 15 5 20 6 26 हो गया दोस्तों। 26 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 2 क्या है, कैरी है दोस्तों, 28 का 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 अगेन हासिल आ जाएगा दोस्तों। 2 हासिल मिलने के बाद मुझे क्या करना है, अभी एक डिजिट और को छोड़ के और आगे जाएंगे दोस्तों हम लोग। 8 7 15 15 6 क्या होगा दोस्तों, 21 होगा। 21 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अगेन 2 क्या मिल रहा है दोस्तों, मुझे यहाँ पे हासिल मिल रहा है दोस्तों। अभी एक डिजिट और आगे जाएंगे दोस्तों हम लोग। एक डिजिट आगे जाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों, 8 7 15 मिल जाएगा, 15 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 17 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 17 का 7 आ जाएगा, एक और हासिल मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद लास्ट वाला नंबर 7 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 1 क्या है दोस्तों, कैरी है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 87,38,015 क्या मिल रहा है दोस्तों, 87,38,015 ये मेरा आंसर है दोस्तों। ऐसी ही करनी मल्टीप्लाई, इतने बड़े वाले नंबर की हम लोग इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दी है दोस्तों। खास करके आपको ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है दोस्तों, ऐसी एरो बना के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। एक और नंबर को मल्टीप्लाई करके और डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया यहाँ पे 3,456 × 1,111 क्या दिया दोस्तों, 3,456 × 1,111 क्या करना है दोस्तों, पहले जो नंबर दिया उसको ऐसे लिख दो, 3,456 को मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। उसके बाद क्या दिया, 1,111 कितने डिजिट है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, 3 0 इस साइड लगाऊंगा, 3 0 में इस साइड लगा दूंगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, पेयर्स बनाना है। कितने का पेयर बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। क्यों, क्योंकि 1,111 में 4 डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं दोस्तों। तो पहला मैंने 4 का एक पेयर बना दिया दोस्तों, 6 0 0 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 मिल जाएगा दोस्तों। पहला एडिशन हो गया, 6 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 5 का ले लेते हैं दोस्तों, 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक हासिल आ गया दोस्तों। उसके बाद 4 वाला पार्ट ले लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 6 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अगेन एक हासिल आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ये वाला नंबर ले लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग अभी ऐड कर देते, 4 3 7 5 12 6 18 18 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अगेन एक हासिल आ गया दोस्तों। उसके बाद अभी ये वाले नंबर को ले लेते हैं हम लोग, 4 3 7 7 5 12 12 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों, एक अगेन हासिल आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अभी ये वाला नंबर लेते हैं दोस्तों, 4 3 7 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में क्या बच रहा है दोस्तों, ये वाला पेयर बच रहा है दोस्तों, 0 0 0 और 3। तो 3 को हम लोग ऐड कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 3 मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या मिल रहा है, 38,39,616 क्या मिल रहा है दोस्तों, 38,39,616 ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही करनी मल्टीप्लाई, यही है ट्रिक सीरीज ऑफ वन की दोस्तों। सीरीज ऑफ वन वाले नंबर की हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। और भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 सीखते हैं।
दोस्तों मैं ट्रिक नंबर टू में ऐसी कमाल की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाऊंगी कि आप नंबर देख के ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोस्तों टू डिजिट नंबर के लिए ऐसी कमाल की ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कि आप कभी भी आंख बंद करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। और वो ट्रिक का नाम भी मैंने क्या दिया दोस्तों, ट्रिक फ्रॉम टाई। हम लोग टाई से क्या करेंगे ट्रिक बनाएंगे दोस्तों, टाई से ट्रिक कैसे बनाएंगे चलिए वो आपको मैं सिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया 21x22 क्या करना है, 21x22 करना दोस्तों। तो पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेप्स को फॉलो करेंगे फिर आंसर लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग फटाफट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया 21x22, 21x22 को करने के लिए पहले क्या करना है दोस्तों, दाहिनी साइड में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना दोस्तों। तो दाहिनी साइड में जो नंबर दिया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 लिख दूंगा दोस्तों। तो क्या करना है, जो यहाँ पे रूल बन रहा है दोस्तों वैसे हम लोग यहाँ पे लाइन भी बना लेते हैं दोस्तों, क्लियर। तो ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद नंबर को आपको क्या करना है एड कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया दोस्तों, 2 दिया और यहाँ पे क्या दिया 2 दिया। तो मैं क्या करूंगा ये वाले ऑर्डर में जाऊंगा दोस्तों, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करके बाद में क्या करेंगे दोस्तों ऐड कर देंगे दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और 2 1 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं दोस्तों मुझे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे 6 लिख दूंगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कौन सा ऑर्डर फॉलो किया हमने, ये वाला ऑर्डर फॉलो किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, और इसको मैंने क्या किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्या करना है लास्ट में दोस्तों, अभी इन दोनों के क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 2 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 462 मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी वही रूल फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, क्लियर। इसी ऑर्डर में हम लोग गए, पहले क्या किया इसको इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। उसके बाद क्या किया लास्ट में इसको इसको मल्टीप्लाई किया, क्लियर दोस्तों। और जो ये 462 दिख रहा है दोस्तों ये क्या है, ये मेरा आंसर है दोस्तों, ऐसे ही आंसर निकल के आएगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और ये ट्रिक फ्रॉम टाई है दोस्तों, टाई से कैसे ये मेथड बना है दोस्तों वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर मैं सपोज इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे देखो एक टाई बन रही है दोस्तों, यहाँ पे देखो टाई बन रही है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको बो टाई मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बो टाई मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड इसी रूल में काम करता है, पहले क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड करके लिख देना है दोस्तों। ऐसे ही रूल को हम लोग फॉलो करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, एक कैरी आ गया दोस्तों, एक कैरी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 × 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 × 5 = 11 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, एक हासिल आ गया दोस्तों, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों 22 मिल रहा है, 22 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा दोस्तों, 2 क्या हो जाएगा अगेन कैरी हो जाएगा दोस्तों, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे मुझे 1120 मिल रहा है, ये क्या है दोस्तों मेरा आंसर है, ऐसी करनी मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो टाइम मल्टीप्लीकेशन मेथड, ऐसे ही करनी मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके और डिटेल में समझते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 27 × 28 करना मुझे, मैं क्या करूंगा 8 × 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा, 56 का क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, 6 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हासिल हो जाएगा, 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 8 × 2 क्या होगा दोस्तों 16 होगा, 7 × 2 क्या होगा 14 होगा, इसको क्या करना है एड करना है, 6 × 5 = 11 = 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 का एक हासिल आ गया, 1 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों मुझे 35 मिल रहा है, 35 का यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, और 3 क्या हो गया दोस्तों हासिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो क्या मिला दोस्तों यहाँ पे 756 मिल रहा है मुझे दोस्तों, 756, ये मेरा आंसर दोस्तों। कितनी आसान ट्रिक है, 2 डिजिट वाले नंबर की भी हम लोग 1 डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे, खुद नंबर लीजिए खुद मल्टीप्लाई कीजिए और खुद चेक करके हमें बताइए दोस्तों आ रहा है कि नहीं, आपको अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया दोस्तों 37 × 23 क्या लिया दोस्तों 37 × 23, तो इसको भी हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा दोस्तों, 1 आ गया यहाँ पे 2 हासिल आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 7 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 9 × 2 = 11 = 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, 15 × 5 आ गया, 1 हासिल आ गया, 1 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे 25 मिल रहा है मुझे, 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 क्या हो गया हासिल हो गया, 3 × 2 = 6 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 851 मिल रहा है दोस्तों, 851 क्या है दोस्तों ये मेरा आंसर है, ऐसी करनी मल्टीप्लाई दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। क्या करना है दोस्तों, पहले जो राइट साइड में नंबर है उसकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नंबर को एड करके लिखो बीच में, उसके बाद राइट हैंड साइड वाली मल्टीप्लाई करके उसको लिख दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है उनको शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ट्रिक के ऊपर ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।